हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चलते हैं त्रिमंदिर बोरीवली फेस्ट में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ त्रिमंदिर, जो कि कृष्ण भगवान और वर्धमान का मंदिर बनाया नहीं। मैं आज आपको चलते दिखाता हूँ। चलिए मैं देखिए ट्रैफिक के पास हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बोरीवली के ट्रैफिक सिग्नल के पास। देख सकते हो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का बोर्ड दिख रहा है। उसके बाद मैं तो बस से आ गया, यहां से मैं चलता हूं थोड़ा पैदल रास्ते का भ्रमण करते हुए, क्योंकि 2 किलोमीटर है तो थोड़ा सा रास्ते का सफ़र लेते हैं। आपको मुंबई का नज़ारा दिखा सकते हैं, कितना अच्छा मुंबई के लोग यहाँ के देख सकते हो, कितनी गाड़ियाँ इस ट्रैफिक सिग्नल के पास रुकी हैं, कितनी। अभी तो बस पास हो रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सफ़र करते हुए मैं पहुंच चुका हूं त्रिमंदिर के पास। त्रिमंदिर जो कि सफ़ेद संगमरमर का बना है पूरा वर्धमान मंदिर। उसके बाद इसके अंदर मैं आपको चल के दिखाता हूँ क्या है। तो दोस्तों हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं अपने दोस्त के साथ, जो कि हम लोग गए हैं इस मंदिर को सोशल मीडिया पर देख के। बहुत ही वायरल है मंदिर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्धमान बोरीवली का मंदिर घूमने आ गए हैं। हम यहाँ पे देखे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ मंदिर कितना अच्छा है। सबसे पहले मुझे मिलते हैं साई बाबा का दर्शन करते हुए। हम आपको दिखाते हैं मंदिर का कितना अच्छा व्यू है। सबसे पहले इसका व्यू देखिए। तो दोस्तों आपने तो मंदिर के बाहर का व्यू देखा, बहुत ही सुंदर व्यू है। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं मंदिर के अंदर, वर्धमान भगवान के अंदर का मंदिर का लुक दिखाते हैं, कितने अच्छे से बना है इस मंदिर। सबसे पहले भगवान वर्धमान का आपको दर्शन कराते हैं। कितने पब्लिक यहाँ पे आई है देखने। ये मंदिर 7 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहती है, जो कि 9 बजे आरती होती है भगवान का। उसके बाद ये मंदिर को बंद किया जाता है, सब सुबह 7 बजे फिर खोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हो सब लोग भगवान वर्धमान और यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा हो रहा है। उसके बाद हम थोड़ा मंदिर का व्यू देखते हैं, कितनी अच्छे से झूमर लगा है देखो बड़ा सा बीच में। उसके बाद लोग यहाँ पे बैठ के पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी भी दिया गया है। उसके आपको पता होगा कि इस मंदिर में एक कैंटीन का सुविधा भी बहुत अच्छे से दिया गया है। आप देख सकते हो मंदिर का बाहरी से बगल से लुक कितनी अच्छा है, कितना अच्छा दिख रहा है फूल। उसके बाद यहाँ पे कितने अच्छे से बिल्डिंग के बीचों बीच बना है इस मंदिर का व्यू देखिए, बाहर से कितने अच्छा आ रहा है। उसके बाद लोग यहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे हैं, उसके वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद मंदिर का व्यू दिखाने के बाद अब हम आपको दिखा सकते हैं। मैं एक बुक से परचेस किया हूँ एडजस्ट एवरीवेयर 10 रुपये में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए दोस्तों जय श्री राम।